नमस्कार, मैं हूं शिवांगी वाजपेयी। आप देख रहे हैं 10 कदम। हमारे देश में अगर किसी की धर्म को, आस्था को चोट पहुंचाने का किसी को हक नहीं है, तो हाथों में पत्थर लेकर किसी दूसरे पर मारने का भी हक किसी को नहीं दिया गया। और ऐसी तस्वीर देखिए पत्थर मारने की, कल सामने आई प्रयागराज से, उससे पहले कानपुर से, उत्तर प्रदेश के कई शहरों से और देश के कई जगहों से, कोने कोने से पत्थरबाजों ने पत्थर फेंके हैं। नुपुर शर्मा के एक बयान को लेकर अभी तक हंगामा हो रहा है। पहले जुमे की नमाज में हमने देखा कानपुर में हंगामा हुआ, कल प्रयागराज में हुआ, और अब सीएम योगी आदित्यनाथ इसको लेकर और सख्त हो चुके हैं। सीधे पुलिस को निर्देश है कि जो भी आरोपी है, किसी को बख्शा ना जाए, सख्त एक्शन हो, सब पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए, सबकी संपत्ति को जब्त किया जाए जो भी इसमें आरोपी पाए जाते हैं। अब तक कुल आपको बता दें कि कल के हिंसा पथराव के बाद 227 लोगों को पुलिस ने चिन्हित करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन साजिश का सूत्रधार कौन है, कौन नुपुर शर्मा बीजेपी प्रवक्ता के बयान की आड़ में एक पूरी सूची समझी प्लानिंग बना रहा है, और उसी प्लानिंग की आड़ में आकर पूरे देश में, पूरे प्रदेश में हिंसा फैलाने का काम किया जा रहा है। आखिरकार भड़की आग ही कैसे, कौन इसके पीछे है, किस तरीके से लोगों को इकट्ठा किया गया, कहां से पत्थर आए, पुलिस पर पथराव किसने किया, प्रयागराज हो, मुरादाबाद हो, सहारनपुर हो, अम्बेडकर नगर हो, लखनऊ हो, तमाम जगहों पर क्यों इकट्ठा हो गए इतनी भारी संख्या में उपद्रवी, और उसके बाद बवाल की जब सभी को पहले से आशंका थी, प्रशासन पहले से जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट था, तो आखिरकार ये पहचान पहले क्यों नहीं हो पाई कि लोग इतनी संख्या में पहुंच रहे हैं जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि यकीनन ये दावा किया जा रहा है कि पहले से ही साजिश जो है वो रची जा चुकी थी। हमारे खास मेहमान इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए जुड़ चुके हैं। सबसे पहले के करके मैं आपका तारुफ करवा देती हूं उनसे। हमारे साथ देवेश भारद्वाज जी, नेता बीजेपी के हैं, वो जुड़ चुके हैं। देवेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में हमारी। सूर्य कुमार शुक्ला पूर्व आईपीएस है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सूर्यकुमार शुक्ला जी। सबसे पहले सूर्यकुमार शुक्ला जी, मैं आपके पास ही आ रही हूं, क्योंकि जो कल प्रयागराज में हुआ, इससे पहले जो कानपुर में हुआ, इन दोनों चीजों को अगर देखा जाए तो पत्थरबाजों ने सारी हदें पार कर दी हैं। सवाल जहां उन लोगों पर खड़ा हो रहा है जो पत्थर मार रहे हैं, तो उन लोगों पर भी खड़ा हो रहा है जिनकी जिम्मेदारी है, जिनको ये पता होना चाहिए कि पहले से ही ऐसी आशंका अगर है तो तैयारी पूरी हो, लोग पत्थरबाजी ना कर पाए, यानी कि इंटेलिजेंस, वो कैसे फेल हो गया, फिर कैसे हो जाती है ये बड़ी गलतियां। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों बात का मैं आपको जवाब दूंगा जी। कि जो आपने एक ये आरोप लगाया, आक्षेप किया कि जिन लोगों की जिम्मेदारी है कि वो ऐसी घटनाएं होने न दें, वो क्यों इसमें लापरवाह रहे। होता क्या है कि अपने देश का कानून आप जानती हैं कि चोरी वर्जित है, कानूनन गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी चोरियां हो जाती हैं जी। और किसी को आप बिना जुर्म किए तो दंडित कर नहीं सकते, किसी को आप इस बात के लिए तो पकड़ नहीं सकते कि वो चोरी करेगा। जब चोरी करता है तभी आप उसे, यानी पत्थर फेंकेगा, इस आरोप में आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन यहां तक मैं जरूर आपकी बात से सहमत हूं कि पुलिस का, एलआईयू का, इंटेलिजेंस का, सबका कर्तव्य है कि पहले से उन लोगों को बीच, अपने लोगों को लगाकर, पता लगाकर कि कहां बवाल होने वाला है या कौन करवाने वाला है, तो कम से कम उसके जो मास्टरमाइंड हैं जी, वो उन पर कार्रवाई जरूर कर लें, पकड़ लें, प्रिवेंटिव एक्शन ले लें, बांड भरा लें और चालान कर दें कि ये बवाल कराने वाले हैं। दूसरी एक और बात हो रही है कि सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि सांप्रदायिक टाइप की हरकतें, वैसी बातें, नफरत फैलाने वाली बातें भरी पड़ी रहती हैं। बिल्कुल, तो जरूरत यह है कि इन पर, इनके खास तौर से जो रिंग लीडर हैं, एडमिन है ग्रुप के, वो उन पर जरूर समय से कार्रवाई होती रहे ताकि वो और लोग उसके वजह से छूट ना पावे। जब देखते हैं लोग कि अरे कुछ नहीं हो रहा, वो फलाने ने नफरत फैलाने वाली बात कही है और उस पर कुछ नहीं हुआ। जैसे बड़ा अच्छा हुआ कि दिल्ली में FIR कायम हुई है कुछ लोगों के ऊपर कि तुम अक्सर धारा 153A भारतीय दंड विधान का उल्लंघन करते हो, नफरत फैलाते हो दूसरे मजहब, दूसरे धर्म के बारे में। तो ऐसे लोगों को, चाहे वो कोई भी धर्म के हों, कोई भी जाति के हों, उन पर समय से गिरफ्तारी, कार्रवाई, चार्जशीट, चालान होते रहना चाहिए जी। अब दूसरा पहलू, जो दूसरा प्रश्न आपका था कि लोग क्यों ऐसा कराते हैं, होता क्या, देखिए अपने यहां भी हाल में चुनाव हुए, चुनाव में कुछ कई लोग जो चाहते थे कि सत्ता में आ जाएं,
और वो जिला लेवल पर, प्रदेश लेवल पर, तहसील लेवल, सब जगह काम कर रहे थे। अब वो कई लोग ऐसे हैं जो नहीं बर्दाश्त कर पा रहे कि हम सत्ता में नहीं आ पाए, हम चुनाव नहीं जीत पाए, तो वो असंतोष इन रूपों में निकल रहा है। और तीसरी जिम्मेदारी ऐसे लोगों की है जो धार्मिक आधार पर लोगों के नफरत की बातें करते हैं। अरे भाई, अपने अपने धर्म की पूजा पाठ करो, लेकिन दूसरे धर्म के बारे में नफरत फैलाने वाली कोई बात ना करो। गैर कानूनी भी है और असामाजिक भी है, क्योंकि आप जानती हैं कि देखिए, ये अंततः समाज हम सब का है, देश हम सब का है। अगर इसमें लड़ाई झगड़े होंगे, दंगे होंगे, तो हमारे देश की तरक्की रुक जाएगी। बिल्कुल। और ये सबको मालूम होना चाहिए कि चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, बच्चों को नौकरी मिलना है, नई फैक्ट्री खुलेंगी, नए काम होंगे, तभी तो आगे तरक्की होगी, नया इन्वेस्टमेंट आएगा, तभी तरक्की होगी। तो सबको ये महसूस करना चाहिए, और सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सब नेताओं को एकजुट होना चाहिए कि देश में, प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे नहीं होने। बिल्कुल बिल्कुल सूर्य कुमार शुक्ला जी, देखिए ऐसे में इस वक्त सबके सहयोग की जरूरत है, ना कि इस हद तक भरसक और आपत्तिजनक टिप्पणियों की जरूरत है जिसकी वजह से आग ये हिंसा की ओर फैले। अब मैं चलती हूँ देवेश भारद्वाज के पास। देवेश जी, ये सूत्रधार कौन है इस आग को फैलाने का, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जगह जगह कोने कोने से तस्वीरें आई पथराव की और बवालियों की, उपद्रव करने की। देश में भी कई जगह ऐसा हुआ है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, या फिर झारखंड हो, रांची हो, तमाम जगहों पर एक साथ एक ही वक्त पर पूरी प्री प्लानिंग थी, एक ही पैटर्न के साथ हमने करने की। कौन इसके पीछे लग रहा है? इसके पीछे तो वो राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं जो नहीं चाहती कि भारत का जो वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इतना बड़ा नाम पहुंच रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा ऐसा परचम फहराया है कि कोई जातिवाद को ना देखकर, धर्म को ना देखकर, सबके लिए विकास करने का काम किया है। और इससे पूरी दुनिया इस बात का लोहा मान चुकी है कि मोदी जी एक विकासशील दिशा में कार्य कर रहे हैं, भारत को बहुत आगे ले जाने वाले हैं। और ऐसे भी लोग हैं देश में, वो नहीं चाहते कि देश का विकास हो और इस देश को परम वैभव पर ले जाने का कार्य हो, क्योंकि कुछ शक्तियाँ इस राष्ट्र के विरोध में कार्य करना चाहती हैं। आपने देखा होगा कल के दिन पूरे देश में एक प्रायोजित तरीके से, एक पूरी प्री प्लानिंग के साथ एक ही समय पर पत्थरबाजी की जाती है। लोगों बिना परमिशन के लोग झुंड बनाकर एक इस तरीके से पुलिस को, शासन को, प्रशासन को, सरकार को चैलेंज करते हुए निकलते हैं। ये कौन सा संविधान है? आप लोग संविधान को भी मानते हैं, अपने अधिकारों के लिए संविधान मानते हैं, अधिकारों के लिए संविधान मानते हैं, लेकिन जो पत्थरबाजी, ये कौन से संविधान में लिखा हुआ है? आपकी वजह से पूरे देश में करोड़ों अरबों रुपए का एक बजट इस बात को लेकर खर्च हो गया कि आपकी सुरक्षा हो, आपको रोकने के लिए हुआ। या ऐसा देश में नहीं होना चाहिए। कोई भी भले लोग हो, वो नहीं चाहते कि देश में शांति व्यवस्था कायम ना रहे, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो नहीं मानते, वो लाठी की भाषा, डंडे की भाषा को ही मानते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, बड़ा नियंत्रण करके चल रहे हैं। सरकार को पहले से भी इनपुट थे कि कल जुम्मे के दिन पत्थरबाजी होगी। उन्होंने प्री प्लानिंग की, सरकार के अधिकारियों के साथ बैठकर मुख्यमंत्री जी ने भी पूरा प्रयास किया, और मुझे नहीं लगता कि कल उत्तर प्रदेश में कहीं कोई छुटपुट घटनाओं को लेकर कोई बड़ी भी वारदात हुई हो। जी, लेकिन देवी जी देखिए, पत्थरबाजी तो हुई है ना प्रयागराज की, तस्वीर तो हर किसी ने देखी है, पत्थरबाजी की गई है, और कहीं ना कहीं फेल्योर थोड़ा बहुत तो आप लोगों का भी रहा है कि जो पुलिस प्रशासन है वो उतना शायद मुस्तैद नहीं था। ड्रोन कैमरे आसमान में दौड़ रहे थे, पुलिस के जवान जमीन पर गश्त कर रहे थे, अपील हो रही थी, हालांकि उपद्रवी जो है वो सुनते कहां है, लेकिन उसके बाद भी इंटेलिजेंस कैसे फेल होता है, ये सवाल खड़े हो जाते हैं। मैं अब सपा नेता जो कि हमारे बीच जुड़ चुके हैं, नवीन दुबे जी, आपका स्वागत है चर्चा में। मैं आपके पास सीधे आ रही हूं। एक प्रवक्ता के बयान को लेकर विरोध करना तो ठीक है, प्रदर्शन कीजिए, लेकिन उसकी आड़ में ये हिंसा, ये पथराव कहां तक जायज लगता है? शिवांगी जी, निश्चित तौर पर किसी भी तरीके की हिंसा, किसी भी तरीके का राष्ट्र विरोधी नारे लगाना या राष्ट्र के विरुद्ध कार्य करना निश्चित तौर पर बहुत निंदनीय है, और इस तरीके की घटनाएं देश प्रदेश के अंदर नहीं होनी चाहिए। प्रश्न इस बात का उठता है कि चीजों की शुरुआत कहां से हुई।
सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के विषय में मैं एक चीज बड़ा स्पष्टता के साथ कहूंगा कि इनका चरित्र जो है वो सामाजिक विद्वेष पर आधारित है, सद्भाव पर आधारित नहीं है। मैं आपको बता दूं, पहले इन्होंने ज्ञानवापी का प्रकरण छेड़ा, काफी तरीके से उस पर चर्चाएं हुई, दुनिया भर का सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियां चली, लेकिन जनता महंगाई से त्रस्त है, जनता ने उसको तवज्जो नहीं दी। उसके बाद इन्हीं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा जी टीवी डिबेट में आती और इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करती है। मैं समझता हूं कि अगर उस अभद्र टिप्पणी के बाद भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कायदे से एक्शन ले लेता, उनको बर्खास्त करके पार्टी से तत्काल मुकदमा दर्ज कर दिया जाता, जेल भेजना अलग बात है, तो मैं समझता हूं कि ये मामला इतना तूल नहीं पकड़ता और एक अच्छा मैसेज जाता कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने एक सही काम किया है। लेकिन इनको क्या चाहिए था, इन्होंने किया क्या, ये चाहते थे कि लोग उत्तेजित हों इस तरीके की भाषा से। पहली बात तो आपको करेक्ट कर दूं कि ज्ञानवापी मसले से आपने शुरुआत की कि वहां से पूरा मसला शुरू हुआ, बीजेपी के लोग उसमें आ गया है, तो पहले तो वो 5 महिलाएं थी जिन्होंने अर्जी दाखिल की थी, याचिका दाखिल की थी, फिर जाकर कोर्ट में मामला गया, बीजेपी ने उस मामले को आगे नहीं बढ़ाया, पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट नहीं, मैं आपको बता दूं, महिलाएं विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी हुई है, ठीक है, सुनिए ना, एक मिनट सुनिए, वो बीजेपी हिंदू परिषद क्या सरकार है, सुनिए आप मेरी बात। और उसके बाद जो आप कह रहे हैं कि उपद्रव हुआ है, प्रवक्ता के बयान के बाद पूरा मामला फैला है, बढ़ा है, पत्थरबाजी हुई है, आगजनी तक कर दी गई है, यहाँ पर पेट्रोल पंप तक दागे गए हैं, तो एक प्रवक्ता का बयान जिसने माफी मांगी, जिसे पार्टी से निकाल दिया गया, जिस पर FIR हो गई, क्या अब उसके बाद भी हर जुमे की नमाज के बाद जब नमाज करने आदमी जाता है, इबादत करता है अल्लाह की, तो उसके बाद क्या कहता है, सुख शांति अमन की कामना करता है, दुआ मांगता है पूरे देश की, अपने हिंदुस्तान की, और इसी साथ में सारे पापों पर, सारे कर्मों पर कहता है कि उसे बख्शा जाए, एक नई जिंदगी की शुरुआत हो, और उसके बाद जब नमाज के बाहर आए तो यहां पर पत्थरबाजी, ये जायज लगती है आपको? नहीं, बिल्कुल जायज नहीं है, बिल्कुल जायज नहीं है, टोटली एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। अगर आपको पता है इतने सेंसिटिव बयान हुआ है और उसके बाद में पिछले हफ्ते, पिछले फ्राइडे को जब कानपुर में इस तरीके की चीजें घटित हुई थी, तो पूरे देश के अंदर खुफिया तंत्र से लेके प्रशासन और पुलिस और सरकारों को अलर्ट पे रहना चाहिए। तो मजाल क्या है कि कोई परिंदा पर मार जाए और इस तरीके की घटना हो जाए, प्रयागराज में जिस तरीके की लाभकारी घटना हुई है, बहुत निंदनीय है। आपकी नजर में क्या सारा जो आप कहेंगे दोषी है, जो दोषवार है, जो कसूरवार, वो पुलिस प्रशासन ही है सारा, वो लोग बिल्कुल भी दोषी है और यहाँ पर कसूरवार नहीं है, जो पत्थर लेकर आ जाते हैं वो दोषी आपकी नजरों में नहीं है? बिल्कुल, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, पत्थर लेकर जो भी आते हैं वो कसूरवार है, उनको दंड ज्ञानव्यापी से शुरू हो जाते हैं। नहीं, मैं आपको बता स्पष्ट कर दे रहा हूँ शिवांगी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनावों में किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्या ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के श्रीमुख से शोभा देती है ये भाषा, वो अब्बा जान फलाना जान इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं? आपको सीएम की भाषा सुनाई देती है, आपको बीजेपी प्रवक्ता की भाषा सुनाई देती है, लेकिन अपनी पार्टी के MLC सांसद विधायकों की भाषा मुझे लगता है आपको सुनाई नहीं देती है। उसके लिए बहुत पीछे जाऊं या बहुत हाल का एग्जांपल दूं, आप बताइए कौन सा एग्जांपल सुनना चाहेंगे, बहुत पहले का एग्जांपल सुनना चाहेंगे, हाल ही का एग्जांपल सुनना चाहेंगे, क्योंकि आपने हाल ही के प्रकरण से शुरू किया ना ज्ञानवापी से, करने वाली भाषा योगी जी प्रदेश को किस तरीके से चला रहे हैं वो इन्हें गलत दिख रहा है। आती हूँ मैं आपके पास, और देखिए मैं बयान लेकर आऊंगी बकायदा नवीन जी आपके पास, फिर आप बताइएगा किस पर आपको आपत्ति कितनी है, उससे किस धर्म को आहत हुआ है। आती हूँ मैं आपके पास, हाजिर सर जी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हाजिर जी, स्वागत है आपका चर्चा में। सवाल यही बार बार अपील होती है कि शांति कायम रखी जाए, उसके बाद ये क्यों एक ही समुदाय के लोग, ये कौन लोग हैं जो नमाज के बाद बाहर आते फिर विरोध के नाम पर पत्थरबाजी, आगजनी, ये सब करने लग जाते हैं, मासूमों को आगे कर दिया जाता है, ढाल बना लेते हैं। आती हूँ नवीन जी, रुकी, पहले मैं हाजिर जी के पास चलती फिर मैं आपके पास आती हूँ, बोलिए हाजिर हसन जी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत अफसोसनाक है, और जिस तरह से एक सीरीज देखी गई मुसलमानों को टारगेट करने की, वो सीरीज अब ट्रेलर के रूप में दिखाई दे रही है, क्योंकि इसकी तो मैं कहूँगा सेटिंग, अच्छा, जो जजेस हैं उनसे जांच होनी चाहिए कि आखिर ये कौन लोग हैं जो नमाज ख़त्म होने के बाद गलियों से निकल के आते हैं,
कहीं भी प्रोटेस्ट जो हुआ है तो वो शांतिपूर्वक हुआ। यहाँ लखनऊ में भी टीले वाली मस्जिद पे प्रोटेस्ट हुआ, कहीं कोई पत्थर नहीं चला, कहीं कोई लाठी नहीं चली, कहीं कोई गोली नहीं चली, हर जगह प्रोटेस्ट हुआ, क्योंकि मुसलमान सारी दुनिया का प्रॉफिट मोहम्मद की अजमत के साथ खड़ा है। लेकिन है। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की समझ में नहीं आया कि यहाँ देश कानून से चलता है, ना कि किसी पार्टी के अपने अपने प्राइवेट उससे चलता है कि आपने निष्कासित कर दिया, बात खत्म हो गई। क्या इतनी सस्ती हो गई प्रॉफिट मोहम्मद की अजमत कि किसी भी पार्टी का कोई राष्ट्रीय प्रवक्ता, जो वकील भी है, जो लंदन से पढ़ के आया तो है, वो बेहिम्मती करेगा और उसके बाद उसको पार्टी क्या ही करेंगे, आंखें नोच लेंगे, नहीं सर तंग से जुदा कर देंगे, ये करेंगे आप? भारत का कानून अच्छा। क्या कहता है उस पे एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, ये मांग तो हमारी मीडिया को और हमारे सभी सदस्यगणों को, हमारे भाजपा के प्रवक्ता को बुलानी चाहिए। किसी भी गुस्ताखे रसूल का मसला कर दिया है, सुनिए ना, हाजी जी सुनिए, गुस्ताखे रसूल का अगर मसला दिखता है तो गुस्ताखे शिव का मसला आपको नहीं दिखता है? सुनिए, आप एक तरफा से निंदा कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, एक बात बताइए, आप चाहते ना सुख चैन अमन कायम रहे हिंदुस्तान में, पूरे प्रदेश में, हाजिर जी आप ऐसा चाहते हैं ना? देखिए सब यही सारे बिल्कुल, तो आप मुझे जरा ये बताइए, इतना आक्रोश क्यों यहाँ पर गुस्ताखे रसूल की शान में, गुस्ताखे शिव की शान में क्यों नहीं, जरा ये बता दीजिए। शान में होना चाहिए, गुस्ताखे रसूल की शान में इतना गुस्सा और गुस्ताखे शिव की शान में बिल्कुल गुस्सा नहीं है? यही तो मैं सवाल पूछ रहा हूं, ये गुस्सा एक धार्मिक कट्टरता का प्रतीक है? इतना आपको आपको देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रोजगार के लिए करते हैं, ठीक है, कभी अमन चैन के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रायोजित है और विदेशों की इसमें फंडिंग हो रही है, चाहते हैं कि भारत का नहीं बढ़े, प्रायोजित है, विकास परियोजन दे रहे हैं, उसको फंड दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में यही बैंक के मुंह से कहना चाहता था, यही है उसके पीछे, इन्हीं की शय पे हो रहा है, ये हम इनके टारगेट पे मस्जिद है, मस्जिदों को बदनाम करना चाहते हैं, इन्हीं के लोग होंगे, आप लोग नहीं चाहते उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम हो, लेकिन इस बात को लोग भूल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, बाबा बुलडोजर की सरकार है, ये एक नया तरीका अपराधी है, कानून के खिलाफ रहेंगे, पत्थरबाजी करेंगे, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, घरों में बुलडोजर चलेगा और ये संपत्ति सीज कर जो हजाना हुआ है बिल्कुल वही से निकाला जाएगा, विश्वास मानिए, आप कितने पत्थर चलाएंगे उन सब का जवाब बुलडोजर से दिया जाएगा, तैयार हुआ, आप विश्वास मानिए, एक आठ दिन हो गए, कान मान लीजिए, आप कितना भी पत्थर चलाएंगे, शर्म को हाजी जी उसका पर्दाफाश हो रहा है, हाजी जी आप लगता है अपडेट नहीं रहते, आप अपडेट नहीं रहते, मुझे लगता है कानपुर की इंसानी पर्दाफाश सारी परतें खुलती जा रही है, लेकिन आप कह रहे हैं मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, नहीं कहां पे, आप एक बताइए, मोहम्मद पैगंबर साहब की आप बोले ना कि शान में कुछ भी बर्दाश्त नहीं होगा, साल 2015 में फ्रांस की मैगजीन में पैगंबर साहब के लिए चित्र बना दिया गया था, उसके बाद कुछ इस्लामिक संगठनों ने, जिससे जुड़े लोगों ने, कट्टर पंथियों ने वहां पर घुसकर उस मैगजीन के न्यूज रूम में जाकर 12 पत्रकारों को मार दिया था, मैसेज क्या दिया था कि पैगंबर साहब की शान में बर्दाश्त नहीं होगा, जो ऐसा करेगा उसका हाल ये होगा, तो क्या एक बार आपको नहीं लगता कि वैसा ही मैसेज हमारे हिंदुस्तान से देने की कोशिश हो रही है, और उस मैसेज को रोकने की जरूरत है आपको, 2015 का वो कांड आपको याद करना चाहिए फिर, मुझे लगता है जो फ्रांस में हुआ, ऐसे लोगों को पहचानिए ना जो लोग ये कर रहे हैं, जो लोग ऐसा मैसेज दे रहे हैं, वही भाजपा की प्रवक्ता करवाना चाहती थी, ये एजेंडा था, ये प्रायोजित था, ये सुनिश्चित था, वाह, आपको मैंने सवाल तो इसीलिए किया ना, जो इतनी बड़ी गुस्ताखे रसूल की शान में कुछ बर्दाश्त नहीं, लेकिन गुस्ताखे शिव की शान में सब कुछ बर्दाश्त होता है, सब कुछ बर्दाश्त होता है, ऐसे बोल तब कहाँ चले गए जब भगवान शिव के लिए इतने अपशब्द, इतने घटिया पोस्ट किए जा रहे थे, तब आपका इतना गुस्सा और सड़कों पर पत्थरबाजों का गुस्सा कहाँ था? मुस्लिम समाज को टारगेट नहीं किया जा रहा, केंद्र की जितनी भी योजना है उन सबका लाभ 100% मुस्लिम समाज को दिया जा रहा है, योगी जी मोदी जी सबको साथ ले रहे हैं, हिंदू मुसलमान तो आप कर रहे हैं बैठ कर, रुकिए आप बात सुनिए, ठीक है सुनिए बात सुनिए, ठीक है रुकिए मैं आती हूँ देवेश जी, पहले मैं जरा सूर्य कुमार जी के पास चलती हूँ, सूर्य कुमार जी
ये सब कुछ प्रायोजित था ये तो तय है, क्योंकि एक ही वक्त पर पूरे देश के अलग अलग कोनों से एक ही पैटर्न पर हिंसा होती है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी एक साथ लोग आते, एक वायरल मैसेज भी हमने देखा था 10 जून का, हालांकि किसी संगठन ने उसकी जिम्मेदारी नहीं ली थी, लेकिन उसका असर लगता हो गया, अपने आप को बचाने के लिए किसी संगठन का नाम उसमें नहीं था। 10 जून को सारी चीजें क्लियर थी पहले से, ये पत्थर आ गए, बोतलें आ गई, पेट्रोल बम आ जाते, फिर भी आरोप ये राजनीतिक दल और बैठे धर्मगुरु क्यों लगा रहे एक दूसरे पर? बिल्कुल शिवानी जी, ये हम सब लोगों को इस बात के लिए सहमत होना चाहिए, जो यहाँ पर प्रवक्ता बैठे हुए हैं उनको भी और जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनको भी, कि सबसे पहले जरूरी है कि सब लोग संयम से बात करें, आक्रोश में, जोश में आकर एक दूसरे के ऊपर अगर दोषारोपण करेंगे कि वो लोग उनको गाली दें, फिर वो उनको गाली दें, उनके प्रति वो नाराजगी जाहिर करें, वो उनके प्रति नाराजगी जाहिर करें, तो इससे आप खुद ही सोचिए और हम सब साथी मिलकर विचार करें, क्या इससे हम सब लोगों के बीच एक सद्भावना पैदा होगी? बदमजगी नहीं पैदा होगी? इसलिए सब लोगों का ये फर्ज है, और जो लोग भी, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं या कोई भी जात धर्म के लोग हैं, जो दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे, मिलजुल कर रहने का संदेश अगर नहीं देंगे, तो शांति नहीं हो सकती। ठीक है, और आप जानती हैं कि पुलिस भी इसी समाज के अंग है। आगे वाले दिनों में स्थिति जो है वो सामान्य होती है या नहीं होती है, ये कानून व्यवस्था पर पूरा सब कुछ निर्भर करेगा, किस तरीके से और चुस्त दुरुस्त होना चाहिए, क्योंकि इस बार भी जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन तो अलर्ट था ही, ड्रोन कैमरे से लेकर पुलिस के जवान तक, पैरामिलिट्री फोर्स तक, सब लोग मुस्तैद थे, फिर भी कई जगह पत्थरबाजी हो गई, आगजनी हो गई। अब और कितने कड़े एक्शन की जरूरत पड़ जाती है ऐसे मामलों में, इन पत्थरबाजों को रोकने के लिए? जी, इसके लिए दोनों चीज की जरूरत है। नंबर एक, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, और जो हमारा लिटरेचर, फिल्में ये आ रही हैं, इन पर भी, अब जैसे इधर वेब सीरीज ऐसी निकलने लगी हैं कि उन पर कोई कंट्रोल नहीं है, वो हिंसा भी दिखा रही हैं, सेक्स भी दिखा रही हैं, सांप्रदायिकता भी दिखा रही हैं, तो वेब सीरीज के लिए भी, और ये जितना सोशल मीडिया है, इन पर प्रभावी सेंसर बोर्ड बनना चाहिए। अभी तक हम लोगों के फिल्मों पर तो सेंसर बोर्ड बना है, लेकिन सोशल मीडिया के लिए और ये वेब सीरीज के लिए, इसके लिए कोई सेंसर बोर्ड अभी नहीं है, केवल कानून है। और प्रैक्टिकल स्थिति यह है कि इतना ज्यादा लिटरेचर सोशल मीडिया में आ रहा है कि पुलिस भी उतना निगरानी, उतने लोग नहीं है कि सब पर, सारे सोशल मीडिया पर निगरानी हो जाए। ठीक है, लेकिन मैं अपने हाजी साहब से भी और अपने दूसरे साथी जो बैठे हुए हैं बीजेपी के, उनसे भी सबसे, और जो श्रोता का निवेदन करूंगा कि भाई, जैसे जो भी ज्यादा आक्रामक हो करके नफरत की बात करते हैं, उनको सबको समझावें कि इससे देश की भलाई नहीं है, इससे समाज की भलाई नहीं है। ऐसे अगर कोई व्यक्ति गलती करता है, चाहे वो नूपुर शर्मा हैं, चाहे तौकीर रजा साहब हैं, कोई भी, तो उसको समझाने की और ठीक करने की जरूरत समाज की है और कानून की जिम्मेदारी। बिल्कुल है, बिल्कुल सूर्य कुमार जी ने कहा। और ऐसे लोगों पर ब्रेक के बाद वापस आते हैं, चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाते हैं कि आखिरकार सूत्रधार कौन है इस आग को फैलाने का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन होंगे हाजिर।